हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रूपक में छंद है और रूपक के छंद में हम लग्गी देखेंगे। उसका एक छंद है और उसके बोल बहुत खूबसूरत है। इसको आप लग्गी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, वरना ये छंद में बचता है, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको दो ऐसे छंद बताऊंगा जिसमें आप लग्गी के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो मैं आज रूपक के बारे में बताने वाला हूँ और आप इसे ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा ये वीडियो देखते रहिए। और ये छंद बड़ा ही प्यारा है, अक्सर कर बहुत जगह ये यूज होता है रूपक में, और आप इसको दीपचंदी में भी यूज कर सकते हैं और रूपक में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दीपचंदी में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, दीपचंदी में किस तरह से बोल बजते हैं और किस तरह से उसके वेरिएशन होते हैं। तो आज रूपक में बहुत ही खूबसूरत छंद लग्गी के रूप में, आप इसको लग्गी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, है ना। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा रूपक और फिर उसके बाद उसका छंद। ये जो था, ये एक रूपक के छंद में था। तक तिनक न तक तिनक न धट तक धिनक न धट तक धिनक न, इतना ही है। तक तीन की न तक तीन की न धाति धागे धी न गी न, धाति धागे धी न गी न, इतना ही आप बजाएंगे। गजल में इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको रूपक के भजन में यूज कर सकते हैं। तिन तिन ना तक धिन धिन ना ना, तिन तिन ना तक धिन धिन दिन दिन ना ना, तक तिन किन तक तिन किन धट तक दिन दिन, धट तक दिन दिन, तक तिन किन तक तिन किन धट तक दिन, धट तक दिन किन तक तिन किन तक तिन, धट तक दिन किन धट तक दिन, तक तिन किन तक तिन किन धट तक दिन किन, धट तक दिन किन तक तिन किन तक तिन किन धट तक दिन किन, धट तक दिन, तक तिन किन तक तिन किन धट तक दिन किन, धट तक दिन किन तक। तो ये बड़ा ही खूबसूरत छंद है, आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, है ना। तो अब इसका मैं वेरिएशन कैसे वो बजा, तक तीन किन, शुरू का खाली का वर्ड है, तक तीन किन, है ना। तिन तिन ना तक दिन ना दिन, है ना। तिन तिन ना दिन ना, तो तक तीन किन धाति धागे धीन गीन, धाति धागे धीन गीन, तक तीन कीन धाति धागे धीन गीन, धाति धागे धीन गीन। सात मात्रा में ही है, सात मात्रा का छंद है और ये बहुत आसान है, बोल भी बहुत ही इजी है इसके। तो कैसे देखिए, तक तीन तीन बहुत ही आसान है, सारे सरल बोले। ता के तीना तीना, ता के तीना तीना, दो बार तक तीन किन तक तीन किन, है ना। तक तीना तीना, तक तीना तीना, बहुत। ता के तीना तीना, ता के तीना तीना। तो टी में दोनों साथ में पढ़ेंगे तब ये बहुत खूबसूरत, वजन भी अच्छा आएगा। तक तीन 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 तक ती
थाली के वर्ण है ये, है ना। और फिर धाति धागे दीना गीना, धाति धागे दीना गीना, धाति धागे दीना गीना, ये वर्ड ये बोल आप जानते ही हैं, धाति धागे दीना गीना, धाति धागे दीना गीना, ठीक है। ये बहुत लोग बड़े बड़े तबलिये इस छंद का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये बहुत सरल और बहुत आसान छंद है ना। तो ये देखिए, फिर से देखिए, ताके तीना तीना, ताके तीना तीना, धाते धागे धीना गीना, धाते धागे धीना गीना, इतना ही है। अब इसका लगातार रियाज करेंगे और आप इसको जो रूपक का तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, यानी जो धिन्ना धिन्ना वहां से शुरू कर सकते हैं, तिन तिन्ना धाते धागे धीना गीना, धीना गीना ताके धीना गीना, ताके धीना धाते धागे धीना गीना, धाते धागे धीना गीना, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, फिर से देख लेते हैं, तिन तिन्ना आखिरी में तिहाई मारा, ये भी बहुत सरल है, बहुत सरल, धाते धाते धाते, बिल्कुल भी दम नहीं है बीच में आपको, धाते धाते धाते, दम कहीं नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है धाते धा आ धाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, धाते 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 धाते, बस यहां से इसको एंड कर देना है। और ये बहुत आसान है, ये रूपक में बहुत ही खूबसूरत चीज है, आप इसको रियाज कीजिए और समझिए इसको, बहुत ही सरल। तक ति न कि न, तक ति न कि न, धाति धागे धी न गी न, धाति धागे धी न गी न, देखिए सात मात्रा में खत्म है, त के ती न की न, छह वर्ण है, इसको दो बार बजाना है, फिर धाति धागे धी न गी न, धाति धागे धी न गी न, आठ आठ, धाति धागे धी न गी न, ये आठ वर्ण का, इस तक ति न कि न के दो बार, छह छह बारह, और आठ और आठ सोलह, अब जोड़ लीजिए, बारह और सोलह कितना हो गया, है ना। तो इसी तरह से आई थिंक सच्चा को अट्ठाईस के आसपास जाता है। तो ये बहुत ही थियोरेटिकल है और मैथमेटिकल है, और ये वादन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत है। तो आप इसको और छ, और वो जो धातिदा धातिदा जो मैंने तिहाई मारा है, वो तीन मात्रा छोड़ के जब तीन तीन ना धाति धा धाति धा धाति तीन, समझ गए, तीन मात्रा के बाद तीन तीन ना धाति धा धाति धा धाति तीन, तो ये छंद के साथ आपको एक छंद भी मिल गया, लगी के रूप में मिल गया, और ऊपर से तिहाई भी। आप इसका रियाज कीजिए, आप इसको यूज कीजिए, बिंदास यूज कीजिए, और बहुत ही खूबसूरती से, और आप लय देख लीजिए, लय के हिसाब से इसको बजाते रहिए लगातार। और इसी तरह के इसके बाद में एक और, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं अभी इतना ही, फिर इसके बाद एक और छंद में बताऊंगा, वो भी आड़ लय में, रूपक में ही, वो भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत आसान है, वो तिरकिट को लेकर है, की फुर्री है ना। तो ये सब मैं इसके बाद इस छंद के बारे में बात करूंगा। चलिए हम इसको थोड़ा गाकर देखते हैं, जैसे एक बहुत फेमस गजल है गुलाम अली साहब की, तो देखते हैं थोड़ा सा ऐसे गाकर उसको, और उसमें छंद को देखते हैं।